नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करण जौहर सर की डायरेक्ट की गई सभी फिल्मों की लिस्ट। सो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों करण जौहर सर ने अपनी डायरेक्टर करियर की शुरुआत 16 अक्टूबर 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है से की थी और फिल्म के लीड रोल में हमें नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी। और यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। लागत थी इस फिल्म की दोस्तों 10 करोड़ की और अपने भारत से कमाई थी इसने 48 करोड़ 87 लाख की और पूरी दुनिया भर से कमाई इसने 107 करोड़। और कमाई के हिसाब से यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद करण जौहर सर की डायरेक्ट की गई दूसरी फिल्म आई 14 दिसंबर 2001 में कभी खुशी कभी गम और इस फिल्म के रोल में हमें नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। और दोस्तों 40 करोड़ की लागत में बनी यह एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। भारत से कमाई की थी इसने 55 करोड़ 65 लाख की और पूरी दुनिया भर से कमाई 136 करोड़। और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी 11 अगस्त 2006 को कभी अलविदा ना कहना। फिल्म के लीड रोल में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा। फिल्म की लागत थी दोस्तों इसकी 48 करोड़ की, अपने भारत से कमाई थी इसने 45 करोड़ और पूरी दुनिया भर से कमाई 112 करोड़। और दोस्तों इसी के साथ यह सेम हिट रहती है। अगली फिल्म आती है इनकी 12 फरवरी 2010 में माय नेम इज खान। फिल्म के लीड रोल में हमें नजर आए शाहरुख खान और काजोल। लागत थी इस फिल्म की 65 करोड़ की और भारत से कमाई थी इसने 82 करोड़ 52 लाख और पूरी दुनिया भर से कमाई 224 करोड़। और दोस्तों इसी के साथ ही यह सुपर हिट रही। इसके बाद 19 अक्टूबर 2022 में आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। फिल्म के लीड रोल में हमें नजर आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन। और इसे 35 करोड़ की लागत में बनाई गई थी, भारत से कमाई थी इसने 97 करोड़ 22 लाख और पूरी दुनिया भर से कमाई 109 करोड़ की। और इसी के साथ ही यह सेम हिट हुई थी। अगली फिल्म आती है इनकी 3 मई 2013 में बॉम्बे टॉकीज। फिल्म में नजर आए हमें रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा और सकीब सलीम। लागत थी इस फिल्म की 12 करोड़ 50 लाख की और भारत से कमाई इसने 13 करोड़ 9 लाख की। और इसी के साथ ही यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद करण जौहर सर की मूवी आई 28 अक्टूबर 2016 में ए दिल है मुश्किल। फिल्म के मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन। और दोस्तों इसकी लागत थी 100 करोड़, कमाई अपने भारत से इसने 156 करोड़ 24 लाख और पूरी दुनिया भर से कमाई थी इसने 241 करोड़ 6 लाख की। और इसी के साथ ही यह सेम हिट रहती है। अगली मूवी आई थी इनकी 15 जून 2018 में लस्ट स्टोरीज। फिल्म के मुख्य किरदार में हमें नजर आए थे राधिका आप्टे, भूमिका पेडनेकर, मनीषा कोइराला और कियारा आडवाणी। और दोस्तों इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी और इस फिल्म की बजट कलेक्शन और वर्डिक्ट की डाटा हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके बाद 1 जनवरी 2020 में इनकी फिल्म आई थी घोस्ट स्टोरीज। फिल्म में नजर आए थे हमें मृणाल ठाकुर, अविनाश तिवारी और जाह्नवी कपूर। और इस फिल्म को भी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। इसके बाद दोस्तों करण जौहर सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आने वाली है 28 जुलाई 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और इस फिल्म के मुख्य किरदार में हमें नजर आने वाले हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शबाना आजमी, धर्मेंद्र और जया बच्चन। तो दोस्तों यह था करण जौहर सर की अब तक की डायरेक्ट की गई सभी फिल्मों की लिस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।